नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं नरेश कुमार आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जो है DGT जो है आपके ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम कराने जा रहा है, तो उसके लिए जो हमने कल जो जिस मुहिम का जिक्र किया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हम इस मुहिम के थ्रू जो है अपनी आवाज़ DGT तक कैसे पहुँचाएँ, तो उसी के ऊपर जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा साथियों। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो इसी तरह की मुहिम की जो लेटेस्ट अपडेट जो है आपको रेगुलर मिलती रहे, और बाकी जो भी अपडेट्स रहती है आपकी एग्ज़ाम आप से रिलेटेड या जो भी है आपकी ITI की, वो सभी मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे। तो बेल जो है आइकन जरूर दबाएँ ऑल नोटिफिकेशन करके। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो हमने मुहिम शुरू की थी, तो उसके तहत काफ़ी जो है छात्र हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो साथियों, मैं ये बताऊँगा कि जितनी ज़्यादा आप सभी की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही हमें जो है इस मुहिम से फ़ायदा मिल सकता है। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आपको सारी जो है हिदायतें दी जाएंगी कि कैसे आपको क्या क्या किस टाइम पर जो है करना है। तो साथियों, आपको यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आप हमारे जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी आगे की कार्य निर्देश आपको दिए जाएंगे, तो उसी की तरह तहत जो है आपको वो कार्य करना है, ताकि जो है आपकी जो मांग है कि आपको जो है प्रमोट कर दिया जाए, जनरल प्रमोशन दी जाए। जैसे कि जो है अभी विभिन्न राज्यों के अंदर जो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो है आप जो कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, और जो है उनके अंदर बच्चों को है डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है। तो ITI के बच्चों के साथ ऐसा जो है दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ITI के बच्चों को क्या कोरोना से जो है नहीं हो सकता? तो यही मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, आप अपनी जो है मांग को जोर शोर से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से डीजी तक मेरे साथ पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही करेंगे तो उतना ही आपका फायदा रहेगा। और साथियों, मेन बात यह है कि आप, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, मैंने एक जो है सुबह भी एक वीडियो डाली थी कि जो है अप्रेंटिसशिप के जो पेपर की डेट शीट जारी कर दी गई है DGT के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DGT जो है पेपर लेने की तैयारी कर रही है, और वो भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रही है। जैसे कि आपको पहले भी अवगत कराया गया था कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, तो ये देख सकते हैं कि DGT ने जो है इनका शेड्यूल जारी कर दिया। अप्रेंटिसशिप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं 19 जुलाई से हैं, तो अगस्त तक चलेंगे। तो साथ ही इसी तरह का एक शेड्यूल DGT ने ITI के स्टूडेंट्स के लिए भी जारी किया गया था पहले, जो 28 जुलाई से, जिसके अंदर बात की गई थी 14 अगस्त तक के दौरान मध्य। तो यही कहना चाहूँगा कि साथियों, अभी हमारे पास जो है टाइम है, जितना जल्दी हो सके उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपनी आवाज़ आपको वहाँ पर पहुँचानी है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। और आप सभी ने क्या करना है, अपनी जो है Twitter ID के लिए रिक्वेस्ट की गई थी ग्रुप्स के अंदर भी, अगर आपने बना लिया है तो वो भी अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो वो जल्दी से जल्दी बना के हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी आपको जैसा निर्देश दिया जाए उसके अकॉर्डिंग जो हम अपनी जो है मांग को DGT के समक्ष जो है रख सके। तो साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कल मैंने ट्वीट किया था उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने सभी ने। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं जो कल मैंने ट्वीट किया था DGT को, तो उसके भी यहाँ पर आप सभी ने भी काफ़ी यहाँ पर जो है पोस्ट को लाइक भी किया है और रीट्वीट भी किया साथियों, और बहुत से जो है साथियों ने खुद स्वयं भी जो है ट्वीट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है आप सभी के लिए बात है। तो मैं यही चाहूँगा कि साथियों, हम सारे एकजुट होकर पूरे इंडिया के जितने भी जो कैंडिडेट हैं, वो सारे एक ही टाइम के अंदर, एक टाइम हम आपको ग्रुप्स के अंदर बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने उस समय के दौरान ही जो है ट्वीट करना है। तो ट्वीट के साथ ही ये फायदा रहेगा कि जब एक साथ भारी मात्रा में हम ट्वीट करेंगे, तो जब भी वो जो है यहाँ पर ट्रेंड के अंदर आप सभी को यहाँ पर जो है ट्विटर के अंदर दिखाई देगा, और जब तक ट्रेंड में नहीं आएगा साथियों, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्वीट होंगे DGT के लिए, तो उतना ही आप सभी के लिए जो है फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्वीट अगर हम करेंगे तो DGT को जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो जो कदम उठाना पड़ेगा।
मैं यही आपसे प्रार्थना जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा है इस मुहिम के साथ आप तो जुड़िएगा ही, अपने आईटी के जितने भी विभिन्न जो ट्रेड के छात्र हैं उन सभी को जो है इस मुहिम के साथ जुड़िए, और रेगुलर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है आपको निर्देश दिए जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपनी जो है आवाज़ देश तक पहुँचानी है कि जो बिना जो है परीक्षा के आपको जो है प्रमोट कर दिया जाए, जो है COVID-19 जो है कोरोना के जो हम मौजूदा हालात है कुछ स्टेट में तो आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ के अंदर कि महाराष्ट्र और दिल्ली में तो काफ़ी बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या एग्ज़ाम लेना ठीक होगा, और वो भी आपका ऑनलाइन, जिसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही कम होती है, एक दूसरे के साथ भिड़ा भिड़ा के जो कंप्यूटर सेट किए होते हैं, तो इन सभी को जो मद्देनज़र मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जुड़िए और जितना आगे लेके जा सके उतना ही आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और ये काम साथियों हमें 31 जुलाई से पहले पहले आपको करना है, तभी इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल पाएगा। तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जो है इस मुहिम के साथ जुड़िए, हमारे जो लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे उसके अंदर आप जुड़िए, और वहाँ से जो है हम सारे एक साथ होके एक निर्णय लेकर जब आपको जो गाइडेंस दी जाएगी उस समय जो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों इसी तरह की जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस मुहिम को हमने रुकने नहीं देना है जितनी ज़्यादा हो सकेगी, जब तक हम आखिरी दम तक इसको जो है मुहिम को चलाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात हमारी डिस्ट्रिक्ट के कानों में डल जाए और आपके जो है हक के अंदर जो कोई फैसला हो। तो साथियों आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी और कोई आईटीआई के साथी हैं वो इस वीडियो को देखकर हमारी इस मुहिम के साथ भी जुड़ें। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का।